हेलो बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए, एक कंसेप्ट लेके आए आपके सामने कि कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में, जब भी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ ऐसा दिख जाए इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन जैसा, तो समझ जाना है कि हमें कुछ तो मिरर इमेज के साथ डील करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूं उसे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, कि इनफाइनाइट प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है ये, और एक कंडक्टर है ये। ठीक है, अच्छा ये इसका हम लोग क्या है, टॉप व्यू देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, आप इधर से आके देखोगे तो हो सकता है आपको ऐसे दिखाई दे। ठीक है, ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है ऐसे, सही है ना ऐसा। तो क्वेश्चन ये है कि हमने इससे इसके किसी पॉइंट से L डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया Q। ठीक है, तो बोला क्या कि जो सिस्टम है, सिस्टम में इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है और चार्ज है, पॉइंट चार्ज। आपसे बोला फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या पूछा अपने से, फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रैक्शन एनर्जी कैसे निकाले, है ना। और जब ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे ये चार्ज इंड्यूस कर देगा। मतलब हमें कुल मिला जुला के इंड्यूस चार्जेस और इस चार्ज में क्या करना है, इंट्रैक्शन एनर्जी निकालना है, जो कि इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है मिरर इमेज वाला, ये हमें इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है। कैसे, कि अगर आपके सामने किसी पॉइंट चार्ज के सामने कोई इनफाइनाइट प्लेट रखा है, हम क्या करते हैं, इसे एज अ मिरर इस्तेमाल करते हैं और इतने डिस्टेंस पे ऑपोजिट नेचर का एक चार्ज यहां पर प्लेस कर लेते हैं। मतलब इस पे, इसको अगर आप हटा भी दोगे तो ये जो दो सिस्टम था ये पूरा, जिसमें एक कंडक्टर प्लेट था इनफाइनाइट, पॉइंट चार्ज था, वो अब दो पॉइंट चार्ज में बदल गए। दोनों का नेचर क्या है, ऑपोजिट है। जितना दूरी पर ये वाला चार्ज इस प्लेट से रखा गया था, उतनी दूरी पर ये वाला चार्ज भी, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर ऑपोजिट है, वो भी इस प्लेट से उतनी डिस्टेंस पे रहेगा। तो हमने ऐसा पढ़ा है प्लेन मिरर के केस में, है ना, कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है इमेज उतनी दूरी पर बनता है, रियल का वर्चुअल। तो कुछ ऐसे आपको याद रखना है यहां पर भी। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, हमें सिंपली अब इन दोनों चार्ज के बीच का इंट्रैक्शन एनर्जी निकालना है। मतलब पूरा क्वेश्चन दो पॉइंट चार्ज के, दो पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है या इंट्रैक्शन एनर्जी निकालना है। तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 2L। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दो चार्ज के बीच का, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, सही है। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, के का वैल्यू होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू और क्यू तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं साइन के साथ रखते हैं तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा एक, सही है। और डिस्टेंस नीचे रख दो 2L, तो आंसर कितना हो गया अभी, पोटेंशियल एनर्जी इनका, इन दोनों चार्जेस के सिस्टम का, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L। ठीक है, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या है, अब जरा सोचो कि रियलिटी में जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज जो है, ये तो इधर ही है, इसके इधर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो इसी रीजन में एग्जिस्ट करेगा, जबकि हमने जो एनर्जी निकाला है वो इस रीजन को भी इंक्लूड किया, हमने इधर वाला भी इंक्लूड कर लिया इधर, तो और देखा कि इधर और इधर एकदम सिमेट्रिक है, तो टोटल मिला के जो चार्ज, जो एनर्जी आई है वो इतना आया, तो एक साइड का एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा जो पहले आया था। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा, फाइनल एनर्जी आएगा, उसको मैंने यू डैश बोल दिया। यू डैश ही इस सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी है, किस सिस्टम का, जिसमें कि इनफाइनाइट प्लेट है और एक चार्ज है। तो आंसर आएगा U/2। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर 16 हो जाएगा नीचे, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 टाइम्स, है ना, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है क्या। तो ये हमें एक बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में यहां पर जानने को मिला कि कब हम मिरर इमेज वाला कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगा लेंगे, और कब लगाएंगे, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट दिख जाए तब लगाना अपने को, क्लियर। चलिए
तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा एकदम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इरोडो का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2.61 है ना, इरोडो का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम ये बोलता है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन आगे हमारे सामने आ गया ये टर्म है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू परफॉर्म अगेंस्ट The electric forces in order to slowly remove this charge very far, बहुत दूर ले जा रहा उसको from the plane, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह कम है इसलिए मुझे थोड़ा हटाना पड़ेगा ये, ठीक है। देखिए ये हमारे पास इंफाइनाइट प्लेन था, कुछ इस तरीके से ना, ये इनफाइनाइट जाएगा ऐसे, क्लियर। अभी तक हमने एक लाइन से दिखाया था इसको कंसेप्ट वाले वीडियो में। तो इधर क्या है, इससे एल डिस्टेंस पर एक चार्ज हमने रख दिया क्यू, सही है, और बोला कि इस चार्ज को बहुत दूर ले जाने पर स्लोली मतलब काइनेटिक एनर्जी का रोल नहीं आना चाहिए इधर, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए ना, बहुत स्लो ले जा रहे इसे, तो इसे बहुत दूर ले जाओगे आप, मतलब इनफाइनाइट वाले पॉइंट पे ले जाओगे आप, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट, ये हमें बताना है एक्चुअली, है ना। तो कंसेप्ट क्या लगाया जाए, तो एक चीज आप देखो, जब भी वर्क की बात आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो एक बार सोचा करो कि क्या यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है क्या, है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जब भी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं तो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक, मतलब इसको बोलता है इनिशियल पोजिशन है, ये इनिशियल आई से डिनोट किया, ये फाइनल है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो E1 है या E इनिशियल है वो E फाइनल क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए, ठीक है। E इनिशियल क्या हो जाए, E फाइनल के बराबर हो जाए। अच्छा E इनिशियल होता क्या है, K इनिशियल और U इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, K फाइनल प्लस U फाइनल, ठीक है। अच्छा तो यहां से क्या हमारे पास आएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते K इनिशियल माइनस K फाइनल, ठीक। ये जो चीज आई ये क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, ये वर्क डन बाय क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। और जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है उसका अगर नेगेटिव टाइम्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, हमसे वही पूछा। तो जो यहां पर आएगा W जो रिक्वायर्ड है वो यहां माइनस टाइम आ जाएगा, इधर क्या आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। मतलब यहां से जो W आएगा जो हमें एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वो कितना आ जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखो यहां से माइनस इधर जाएगा ना, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल जाएगा। जब ये सिस्टम अनंत पर पहुंचेगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सिमट गया कि हम क्या करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें सिस्टम का, बस क्वेश्चन यहां आगे खत्म हो गया, ठीक है। तो कैसे किया जाए, देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो चार्ज है, मैंने बताया था ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, माइनस क्यू चार्ज यहां एल डिस्टेंस रख दो आप, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे और उसका आधा करते थे, क्यों, क्योंकि हमें इस इधर का ही रीजन लेना है, एक्चुअली में इधर ही पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में इधर कुछ नहीं आ रहा था, है ना, हमें इधर का ही लेना है। तो इधर का आएगा तो टोटल का आधा कर देना पड़ता था, और उसका वैल्यू कितना निकल के आया था, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले देखा हमने, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है क्या, ये आपका ये फाइनल आंसर है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने पहले ही कर लिया था, है ना, बस वो थोड़ा नए फॉर्म में आपके आपके सामने ले आया कि इसको स्लोली इनफाइनाइट तक हम क्या कर रहे हैं, ले जा रहे, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम है इरोडो का, ये 2.66 है ना, इरोडो का प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है,
कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो किसी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से एल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, और क्या बोला है कि डिटरमाइन द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द प्लेन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द बेस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू प्लेन फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना, स्क्रीन पॉज करके मैं भी हटाता हूं और सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम देख लिया, अब मैं प्रॉब्लम एक बार आपको समझा देता हूं जल्दी से, ठीक है, फिर हम उसका स्ट्रेटेजी समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, क्लियर। देखिए तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा था कि हमारे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, सपोज ये हमारा इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन था, ठीक है। बोला कि इससे एल डिस्टेंस पे चार्ज रख दिया क्यू, ठीक, और बोला कि इससे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस शीट पे या प्लेन पे, तो जो पॉइंट मिलता है हमने उसको बेस नाम दिया, और बेस से आर डिस्टेंस पे यहां से आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है जहां पर हमें इंड्यूस चार्जेज का चार्ज डेंसिटी बताना है, क्योंकि इसकी वजह से ये इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर शीट पर क्या होगा, चार्जेज इंड्यूस हो जाएंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वाले पॉइंट पर उस इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी कितना होगा ये अपने को बताना है, सही है। तो देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, जैसा कि हमने इससे पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व किया, कंसेप्ट भी बताया मैंने आपको कि जब भी इनफाइनाइट प्लेन आ जाए कंडक्टिंग और उसके सामने चार्ज वगैरह दिख जाए अपने को, तो हमें मिरर इमेज वाला कंसेप्ट याद रखना चाहिए, है ना। तो स्ट्रेटेजी ये है कि एक दूसरा चार्ज आपको इतने डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस एल था, क्वेश्चन में दे रखा था एल, ये तो एल डिस्टेंस नीचे एक दूसरा चार्ज आप क्या रख लो, माइनस क्यू, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज हो गया, क्लियर है क्या। अच्छा, और आपको प्लेन मिरर वाला भी जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, प्रॉपर्टीज अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता देता हूं मैं कि प्लेन मिरर क्या अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि जो प्लेन मिरर होता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है इमेज भी उतनी दूरी पर बनता है, रियल का वर्चुअल बनता है, वर्चुअल का रियल बनता है, खैर वो बात की बात है, क्लियर। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रख दो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन नेचर क्या रहेगा ऑपोजिट, सही है। तो स्ट्रेटेजी ये है, इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, सपोज मैंने इस पॉइंट को पी बोल दिया, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप देखोगे अभी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के या इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो अगर ऐसा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी शीट पर, जो ये शीट अगर है मान लो हमारे पास, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से आएगा ना, भाई उसको उस वैल्यूज को इसके बराबर पुट कर देना, यहां से हमारा सिग्मा आ जाएगा, ये स्ट्रेटेजी था। अब मैं सॉल्व करता हूं, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, मैंने इसको ज्वाइन किया इस लाइन को, इस वाली लाइन को ज्वाइन करता हूं मैं, ठीक, ये वाला जो चार्ज है ये माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, है ना, ये वाला प्लस है तो ये अपने से दूर भगाएगा, ठीक है। अब एक दूसरी चीज देखते कि दोनों चार्ज से इस वाले से ये जो पॉइंट है सेम डिस्टेंस पे, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस एल था और ये डिस्टेंस भी एल है, ये आर तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, आप देखो ध्यान से दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आर तो कॉमन है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है अपने को लॉन्गेस्ट साइड वाली वो दोनों में क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो ये क्यू पी और ये माइनस क्यू पी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सपोज मैंने एक्स बोल दिया इसको, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है चार्जेस सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है मैंने उसको ई बोल दिया, इसकी वजह से इधर, इस वाले की वजह से इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड ई है, मैंने इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा कुछ और बातें करते हैं, सपोज ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ट्राइंगल एकदम सिमिलर है, सही है। अगर एंगल थीटा तो वर्टिकल से एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, सही है। अब करना क्या आप मेरे को, इस वाले पॉइंट को मैं अलग ही बना देता हूं, नहीं तो यहां पर आपको बहुत खिचड़ी बक जाएगी, ऐसे आया
ठीक, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इधर ई, इधर ई, देखो ई का ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा और ई का एक कंपोनेंट इधर, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा ई साइन थीटा, ये हमने रिजॉल्व कर दिया उसको। इस वाले का भी इधर जो आएगा कंपोनेंट इधर, वो भी कितना आएगा ई कॉस थीटा आएगा, तो मैंने प्लस कर दिया इसमें ई कॉस थीटा, और जो इधर आएगा वो क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये चीज तो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गए इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट, ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट ऐड हो जा रहे, तो आंसर कितना आया 2e cos थीटा, सही है। और मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, और देखो आ भी रहा है, डायरेक्टली नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा चीज कि जो ये 2e cos थीटा आया है, हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू था हमने दोनों की वजह से निकाल लिया था यहां पर, ठीक है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ यही मौजूद है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू आया यहां पे ई नेट, ई नेट जो भी ई नेट आया, ये जो भी ई नेट आया ये, वो इन दोनों की वजह से आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इफेक्टिव ई है, जो इफेक्टिवली हम लोग इस्तेमाल करने वाले ई, ई इफेक्टिव, वो क्या हो जाएगा इस ई नेट का आधा हो जाएगा, इसको डिवाइड बाई टू करोगे तो आंसर कितना आएगा ई कॉस थीटा, सही है, कितना आएगा E cos theta। अब वैल्यू पुट करते हैं, E क्या था, किसी भी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो K Q डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितना ले लिया था हमने x, तो x स्क्वायर करते हैं इसका, ठीक है, तो x स्क्वायर, अच्छा x है कितना अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब बात करते हैं cos theta का, तो cos theta क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, cos क्या होता है भाई, बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, तो l अपॉन x, ठीक है, और x कितना था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सॉरी, और ये पावर वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, ये के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये हमारे पास ई इफेक्टिव आ गया, सही है, क्लियर। अब क्या करना है हमें, मैंने बताया जो भी ई इफेक्टिव आता है उसको किसके बराबर कर देना है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देना है। तो जो भी ये वैल्यू आया है उसको मैं इधर क्या करता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर करता हूँ, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखता हूं मैं के क्यू एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, सही है। अच्छा अच्छा इसमें कुछ और भी आप कर सकते थे कि इस के का वैल्यू मैं क्या कर दूं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रख देता हूं, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो टू से एक टू जाएगा, सही है, तो यहां टू बचेगा और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो नीचे आ गया टू पाई समथिंग। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज कि जो चार्ज आएगा हमारे पास, चार्ज डेंसिटी या जो इंड्यूस चार्ज आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहां पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्लियर है क्या। तो आंसर क्या था सिग्मा का, देख लो आप सिग्मा का जो फाइनल आंसर आएगा, ऊपर तो बचा क्यू इंटू एल और ये माइनस इधर लगा दिया मैंने, नीचे आएगा टू पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो याद ही रखना हमें, हम निकालते दोनों की वजह से ये इफेक्टिव चीजें, अगर एनर्जी पूछता तो हमने एनर्जी भी निकाला था प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में, लेकिन हमने इफेक्टिव एनर्जी को 1 बाई टू कर दिया था। ऐसे यहां पर भी क्या है, हमने इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से निकाला, फिर उसको क्या कर दिया आधा कर दिया, सही है ना, और फिर उसको जिसके बराबर पुट करना है उसके बराबर पुट कर दो, यहां पर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर पुट करना था, हमने पुट कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस क्यू एल अपॉन टू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, क्लियर, नोट कर लीजिए।